यदि भगवान कुछ नहीं देते, यदि आप अपने बच्चों को ये सिखा दोगे ना कि भगवान कुछ नहीं देता है, तो तुम्हारे बच्चे मिथ्यात्म में जाना प्रारंभ कर देंगे। तुम्हारा भगवान कुछ नहीं देता, हम तो वहां जाएंगे जहां मिलता है। समझ में आ रहा? क्या मेरा भगवान इतना निकृष्ट है कुछ नहीं दे सकता? फिर अरहंत लोग उत्तमा क्यों बोला? लोक में उत्तम सिद्ध लोग उत्तमा क्यों बोला? एक बात बताओ, छोटी सी बात, विषय बोल तो नहीं हो रहा पीछे है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जड़ और चेतन जो किसी को कुछ भी नहीं देता हो, उसका नाम बताओ। एक पत्थर भी कुछ देता है ना, एक मिट्टी भी कुछ देती है ना, एक हवा भी कुछ देती है ना कि नहीं देती? बोलो। पानी कुछ देता है ना, भोजन कुछ देता है ना हमें कि नहीं देता? ऐसा कौन सी चीज है जो कुछ नहीं देती है, उसका नाम बता दो। कुछ भी नहीं देती है, ऐसा कौन सा पदार्थ है? बोलो। संसार में, अभी मोटे की बात मत करो, संसार में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कुछ नहीं देता? एकाद का नाम बताओ। बोलो। दुपट्टे ने तुमको कुछ नहीं दिया, मान दिया, सम्मान दिया, भले चिंदी हो ना, काम की नहीं है, लेकिन कुछ तो दिया ना उसने कि नहीं दिया? चश्मा मुझे कुछ दे रहा है कि नहीं? ए? ये जीव है कि अजीव है? पुद्गल है ना, ये मुझे क्या दे रहा है? किसे दे रहा? मुझे दे रहा है कि तुम्हें दे रहा? मेरा चश्मा मुझे कुछ दे रहा कि तुमको दे रहा? क्या दे रहा? अभी निकाल लूंगा तो ऐसे क्या लिखा है, और ये कर दिया तो क्या दिया? इसमें अक्षर बड़े किए हैं, समझ में आ रहा? एक चश्मा कुछ दे रहा है, तीन लोग का नाम कुछ नहीं देता। आपसे प्रश्न है मेरा, आप आपके माँ बाप आपको कुछ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? आप अपने माँ बाप को कुछ दे रहे हैं, दुख हो या सुख हो वो तुम जानो। सास बहू को कुछ दे रही है, बहू सास को कुछ दे रही है, दोनों से एक ही देगी क्या, दुख या सुख? समझ में आ रहा? लेकिन दे तो रही है ना, बात इसकी नहीं है अच्छी और बुरे की, दुख और सुख की बात नहीं है, शुभ अशुभ की बात नहीं है, बात है देने की। कौन सा ये जो कपड़े तुम पहने हो, ये कुछ दे रहे हैं तुमको? बोलो। क्या दे रहे हैं? बचा रहे ना, मैंने उतार दिए, नग्नता मुझे कुछ दे रही है नहीं दे रही है? तुम्हारा पहनना भी तुम्हें दे रहा है, मेरा उतारना भी मुझे दे रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रही बात समझ में? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कुछ नहीं देता, उसका नाम बताओ। नौ पदार्थ में जीव अजीव आश्रय बंध संबंध विरह मोक्ष पुण्य पाप, ये कुछ देते हैं या नहीं देते? बोलो। जिस चेयर पे तुम बैठे हो तुमको कुछ दे रही या नहीं दे रही है? क्या दे रही? स्थान दे रही ना? अरे दो कौड़ी की चेयर कुछ दे रही है, ये माइक तुम्हें कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा? बंद करके बोलूं क्या, पीछे वाले क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सुनाई नहीं दे रहा। दे रहा है ना मतलब क्या है? ये माइक सुनाई दे रहा है ना, ये माइक भी तुमको दे रहा है, कपड़े भी तुमको दे रहे हैं, भोजन भी, भूख से पहले, भोजन से पहले के परिणाम और भोजन के बाद के परिणाम, कुछ हो रहा, अंतर आ रहा कि नहीं आ रहा? जब भूख लग रही है आपने खाना नहीं खाया, उस समय आपके परिणाम कैसे हैं? है? बड़े आनंद में है कि व्याकुल व्याकुल? क्यों? भोजन तो पुद्गल है ना, अजीब है, वो भीतर जाके क्या कर रहा है? साता दे रहा है तुमको, है ना? कैसा लग रहा खा? नहीं अब अच्छा है, अब बढ़िया। तो उस भोजन ने क्या दे दिया तुमको? साता दिया कि नहीं दिया? समझ आ रहा नहीं आ रहा? जो यहां ठंडी पड़ती है औरंगाबाद में है, उसमें क्या पहनते हो? कंबल पहनते हो कि ओढ़ते हो? वो महावीर स्वामी स्वेटर पहनते हो, कोट पहनते हो, पहनते या नहीं? वो क्या दे रहा तुमको? वो कुछ नहीं देता तो काहे को पहने है? ये व्यवहार दे रहा कि नहीं दे रहा?
है ना। एक बात बताओ, वो गर्म कपड़ा आपकी, आजकल तो 4 महीने ठंड नहीं पड़ती, 2-3 महीने, वो गर्म कपड़ा मान लो आपकी 4 महीने ठंड से रक्षा कर रहा है, फिर आप उस गर्म कपड़े की रक्षा कितने वर्ष करते हो, कितने महीने करते हो? क्यों क्यों कर रहे रक्षा उसकी, संभाल के क्यों रख रहे, फेंक दो ना, यूज एंड थ्रो है, बोलो कर रहा ना। एक बच्चा जब उससे चलते नहीं बनता तो माँ बाप चलना सिखाते हैं, और बुढ़ापे में जब चलते नहीं बनता तो बच्चा चलना सिखाता है। बोलो एक दूसरे को कुछ दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? ऐसा कौन सा पदार्थ है दुनिया में जो किसी को कुछ, एक कैमरा लगाए कुछ देगा लोगों को कि नहीं देगा? अरे जब सड़ी सड़ी सी चीज दे रहे हैं तो मेरा भगवान क्यों नहीं दे सकता है, प्रश्न है आपसे, क्यों नहीं दे सकता मेरा भगवान? 3 लोग का नाथ क्यों नहीं दे सकता? एक बात बताओ, दाता कौन है? दाता किसे कहते? तुमको? दाता एक राम, भिकारी सारी दुनिया, दाता एक राम। कुछ नहीं देता भगवान, कुछ नहीं देता तो समोसा में क्या टाइम पास करने को बैठे? दिव्य ध्वनि नहीं दे रहे? वो दिव्य ध्वनि तुम्हारा कल्याण कर रही कि नहीं कर रही, बोलो, नहीं कर रही। ये मूर्ति मंदिर की कुछ नहीं दे रही तो फिर क्यों लगे जय 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 छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न अग्नि छिन्न छिन्न पापम छिन्न छिन्न, क्यों लगे, क्यों चिल्ला रहे वहां, पैसा बर्बाद कर रहे, लाखों की गोलियां ले रहे, खाओ पियो ऐश करो, वो तो कुछ नहीं दे रहे भगवान, बोलो बोलो बोलो। प्रश्न हमारा ये नहीं कि क्या होता है, दे रहे या नहीं है। प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव देना है निश्चय ने, प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव, चाहे पुद्गल हो चाहे चेतन हो, सबका काम क्या है, देना, कुछ ना कुछ देना, कुछ ना कुछ देना, देना आत्मा का स्वभाव है, समझ में आ रहा? तो क्या अरहंत भगवान आत्मा नहीं है, सिद्ध भगवान आत्मा नहीं है, तो अपने स्वभाव को भूल रहे हैं क्या देने के? बोलो, आंसर दो, देना स्वभाव किसका है? प्रत्येक द्रव्य का। धर्म द्रव्य क्या देता है? चलने में सहायता। अधर्म क्या? रुकने में सहायता। आकाश क्या? स्थान देता है। जीव द्रव्य क्या देता है? सुख दुख सब देता है, अनंत सुख भी वही देता, बोलो, कठिन हो रहा है क्या है? आपके घर के दरवाजे पे पड़ा हुआ पत्थर कुछ दे रहा है या नहीं? अरे हथौड़ी ना मिले तो कील ठोकने के काम तो आएगा, नहीं आता? एक पेड़ जिसमें फल नहीं है लेकिन दरवाजे पे लगा है, नहीं देगा फल, छाया तो देगा ना, नहीं दे रहा कि नहीं दे रहा है, बोलो कौन सा द्रव्य है जो नहीं देता है? स्वभाव है देना, समझ में आ रहा? अरे ये बात अलग है कि अपन औरंगाबाद वालों का देना नहीं लेना स्वभाव, लाओ 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 ला, है ना, आत्मा का स्वभाव देना ही है, समझ में आ रहा? क्या देना? अब तुम ही पढ़ते हो, काम दम मोक्ष दम चेव ओंकाराय नमो नमः, समझ में आ रहा है? यदि नहीं देता तो सौधर मंद्र पागल था जो समोसन में भगवान के पंच कल्याणक मनाता है, गर्भ जन्म तब क्या देते हैं भगवान, क्यों जा रहा है? वो तो सम्यक दृष्टि है ना, क्यों जा रहा भगवान के पास? और ज्ञानी स्वधर्म इंद्र वो तो वहां बैठकर भी सब देख सकता था, नीचे क्यों आया? अवधि ज्ञान है मैंने मति सो अवधि ज्ञान स्वधर्म इंद्र को, तुम लोग को तो टीवी और इससे दिखता है, उसको तो स्वर्ग से भी पंच कल्याणक दिखते हैं, भक्ति कर सकता था, क्यों नाच रहा है वहां भगवान के आंगन में, क्यों डांस कर रहा? थे 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 पग भरत जात चम 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 घुंघरू बजा, जे करही निरत यह भांति भांति ते लहि सौख सिव पुर, क्यों भगवान की आंगन में माता के नाच रहा हो? क्यों ये देवियां हाथ पैर दबाने आ रही हैं? इनको क्या कमी है, बोलिए क्या कमी थी अष्ट कुमारी का, तुम क्यों आ रही माता की सेवा में, क्यों देवी हो करके नौकरानी बन गई, क्यों बन गई, बोलो कुछ तो देते होंगे, बोलो बोलो। घर में दुष्ट बहु आ जाए तो कहते बड़ा दुख देती है, देती है, अच्छी हो जाए तो
तो दे रही है ना, दे रही है नहीं? क्यों आया सोने में धरती पर, क्यों आया भगवान का पंच कल्याणक मनाने? क्या काम, क्या कमी थी उसको स्वर्ग में? उसका सुख इतना है, तुम्हारा सुख दो कौड़ी का है उसके आगे। उसको अवधि ज्ञान था, क्यों ऐरावत पे बैठ के चला? कौन देगा? तभी तो कहते भगवान नहीं देता, विराजा जिंदुन संपत्ति। समझ में आ रहा है? प्रश्न मेरा है, सौधर्म इंद्र को क्या कमी थी जो भगवान की सेवा में आया? मालूम है नाभि राय के पास जितना था ना, सौधर्म इंद्र के सामने वो दो कौड़ी का है। इतनी संपदा होती इंद्र की, माता पिता के पास कुछ नहीं। चक्रवर्ती बेकार है उसके आगे, एक नौकर के समान। इतना वैभव सौधर्म इंद्र का होता है, वो क्यों आते हैं पंच कल्याणक मनाने? तो कौन देगा, किस लिए आए? तो मानव जन्म किससे मिलेगा? तो देते हैं ना, गौतम सिद्धि कर रहे ना। क्यों आ रहा है, इसको क्या हो गया है, पागल हो गया क्या सौधर्मिंद? क्यों जन्माभिषेक कर रहा है, नहलाने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है? पुण्य कर्म में ये क्यों डिस्टर्ब हो, ये क्यों जा रहा है? एक मिनट, कर्म किसका है? 16 सपने किसको आ रहे हैं? उसको क्या, उसका कर्म थोड़ी था, सपने उसको क्यों आ रहे हैं? रत्नों की वर्षा उनको क्यों मिल रही? कर्म किसका है? तीर्थंकर का। फल किसको मिल रहा है? सारी प्रजा को रत्न वृष्टि हो रही है, लाभ कौन ले रहा है? तो फिर इसका क्या होगा, जिसके कर्म से ही फल मिलता है, इसका क्या होगा फिर? कर्म तो तीर्थंकर भगवान का था, फल तो पब्लिक ले रही, क्यों ले रही दूसरे के कर्मों का फल?